हे गाइज, यह है यूरेशियन जे जो यूरोप और एशिया में पाई जाती है, और अभी आप देख रहे हैं बिनसर में मेल और फीमेल दोनों एक जैसी होती है देखने में। और साथ में है यूरेशियन डफ और ग्रेविंग ब्लैकबर्ड, और यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं। तो गाइज, अभी बज गए हैं सुबह के 6, और देखिए कॉल स्टार्ट हो रही है, और लेपर्ड है आसपास। देखिए बार्किंग डियर की कॉल आ रही है, और यहाँ पर हो रहा है अभी सूर्य नमस्कार। तो काफ़ी लोग अभी सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और ये तो कमलदा है यार, और बाघ के डर से ये सुबह सुबह ले गए हैं डंडा घूमने के लिए। तो गाइज, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा, सुबह सुबह का समय है, काफ़ी बढ़िया। और देखिए बार्किंग डियर की कॉल आते हुए जस्ट यहाँ नीचे वैली में है। तो जब भी ये लेपर्ड को देखता है तो इसी प्रकार से आवाज़ करता है। तो आसपास है लेपर्ड, तो कॉलिंग होने लग गई है अभी, और चिड़ियाएँ भी बहुत जोर जोर से आवाज़ कर रही है। तो यहाँ नीचे है लेपर्ड, और कॉल लगातार आ रही है बार्किंग डियर की। तो वो प्रयास करते हैं कि लेपर्ड के दर्शन हो जाएं आज। तो गाइस, ये है रास्ता, देखिए बहुत ही टफ रास्ता है यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ लेपर्ड की खोज में, तो देखते हैं लेपर्ड दिखता है नहीं दिखता है। जंगल तो काफी घना है, ये देखिए लेपर्ड की कॉल भी आ रही है, और ये है घना जंगल यहाँ पर, लेकिन दिखना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसी पगडंडी है ना यहाँ, मूवमेंट तो हो रही है चलने की, और कॉल भी आ रही है, लेकिन दिखना बहुत मुश्किल है। बहुत ही घना है यहाँ पर गाइज, बहुत ही इतना घना है कि लेपर्ड आराम से यहीं पर भी छुपा होगा तो दिखाई नहीं देगा। तो यहीं कहीं नीचे है, ये देखिए कॉल ले गया, खेत के ले गया उसको। लेपर्ड जो है हिरन के पीछे दौड़ गया है, तो उसको दौड़ा दौड़ा के कहीं नीचे ले गया, वो आवाज़ आया अभी। तो यह है कहानी। तो गाइज, अभी ऐसा है लगा कि लेपर्ड जो है उसको दौड़ा के ले गया, उसके पीछे दौड़ के चले गया है। तो बहुत नीचे नीचे घाटी में चले गए हैं दोनों, बार्किंग डियर और लेपर्ड। तो गाइज, अभी सुबह का समय है, और जो यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और हिमालय तो नहीं दिखाई दे रहा है, धुंध काफ़ी ज़्यादा है। और यह है आसपास की पहाड़ियाँ, काफ़ी खूबसूरत।
वाह, कितना बड़ा कौवा है। देखिए कौवा भी यहाँ पर काफी बड़े होते हैं, और एक गजब बड़ा कौवा है, बहुत ही ज्यादा। बाहर है गाड़ियों की लाइन जो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए गाड़ी ही गाड़ी। हे गाइस, अभी बज गए हैं सुबह के 9, और देखिए बिनसर में झमाझम बारिश हो रही है, तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है, ठंड लगने लगी है, तो अच्छी बारिश हो रही है। देखिए आप देख सकते हैं, और कोहरा भी आ गया है। अभी हम पूरे कोहरे के अंदर हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लगातार बारिश हो रही है अभी। हे गाइज, अभी बारिश रुक गई है और मेरे साथ आए हैं, देखो राम सिंह भाई आए हैं यहाँ पर, और बाहर का मौसम जो हो रहा है कुछ इस प्रकार से हो रहा है, और फिर से धूप पड़ गई है, और बारिश होने से क्या हुआ है कि गर्मी डबल हो गई है। अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होने के बाद ठंडा लगेगा, लेकिन अभी डबल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, पूरी धूप खिल गई है। और ये देखिए, ये भाई साहब को नींद लग गई है, देखो इतनी गर्मी हो गई है ना। अरे दादी उठो उठो, क्या है, सुबह हो गई के है, बाद धूप का आनंद लेते हुए इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही क्या? बारिश लेने के बाद धूप का आनंद लेते हुए। अच्छा, तो गाइस अभी काफ़ी अच्छी धूप आई है बिनसर में, और एक राउंड बारिश भी हो चुकी है। और ये है देखिए, पर्यटक सीजन जो है समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। नहीं नहीं, अभी अभी कहाँ समाप्त तो होगा, गाड़ियाँ हैं मात्र एक हफ्ते का जो है ये सीजन रह चुका है, जून तो जुलाई में। भाई साहब कह रहे हैं कि अब पर्यटक सीजन खत्म हो गया पहाड़ों में। नहीं यार, अभी कहाँ होता है, जुलाई तक रहेगा। आगमन के उपलक्ष्य में लोग खुश है, बट ये पता नहीं है मेघनाथ कब और कहाँ बरसने वाले हैं। मेघनाथ तो जब बरसेंगे खतरनाक बरसेंगे, और ना वहाँ आसाम में कैसे बरस रहे हो। अरे दाजू आसाम में इतने खतरनाक बरस रहे हैं ना, वैसे तो कल बहुत जगह बारिश हुई यार, दिल्ली NCR में भी बारिश हुई है। कहाँ बारिश, कहाँ बाढ़, कहाँ हुई, दिल्ली में। हाँ, आसाम में, आसाम की तो हालत ख़राब हो रखी है इतनी ज़्यादा, जो पहले उत्तराखंड इधर होता था ना, वो सब अभी क्या है ना, वहाँ आसाम में हुआ है। मानसून लेट है, थोड़ा कमज़ोर जैसा। मानसून कमज़ोर कह रहे हो, बहुत ही कमज़ोर है, देख रहे हो बहुत लेट आ रहा है, हल्के छिटे छाटे, प्री मानसून भी नहीं आ पा रहा, देखो चढ़ाई लग गई मानसून को। और ये देखिए आसमान कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और पतले पतले बादल भी हैं। कहाँ पर है, और गाइज अभी कोहरा आ गया है यहाँ पर, यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है ना थोड़ी सीधा ही कोहरा आ जाता है। तो गाइज ये देखिए कितना खूबसूरत जगह में हैं हम, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पे अभी आप हैं, और देखिए बादल हैं आसमान में छाए हुए, और कोहरा भी आता है, अभी आगे जाके देखते हैं ना, कोहरा आया हुआ है वहाँ पर, आज फिर से आगे बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है गाइज आज बिनसर का मौसम, और देखिए पूरा कोहरे में है हमें, चारों तरफ कोहरा है, और ये देखिए कोहरा मतलब धुंध जैसी लगी हुई है। देखिए नीचे के बादल जो है ना, गर्मी पड़ी, बारिश हुई तो एकदम बादल आ गए, कोहरा आ गया, देखिए सारा पूरा कोहरा ही कोहरा है। तो गाइज ये है कुछ आज का मौसम, तो गर्मी भी बहुत है, अभी गर्म हो रहा है, अंदर ठीक है,
कोहरा कोहरा दिख रहा है, देखिए चारों तरफ कोहरा ही है। और ये है फिर से मौसम अपडेट। और यह है भीड़, बिनसर घूमने वाले यात्री जो आए हैं तो काफ़ी यहाँ पर गाड़ियाँ आई हुई है। यहाँ से लेके उस मोड़ तक पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर। और अभी मौसम खुल गया है, देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर व्यू नज़र आने लग गए हैं, लेकिन पहाड़ों पे अभी कोहरा है तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी देखिए बिनसर सेंचुरी में काफ़ी यात्री लोग घूमने के लिए आ गए हैं। और ये यहाँ पर है 0 पॉइंट की पार्किंग, और देखिए सारा पूरा फुल है यहाँ पर, ये देखिए पूरे घने जंगल के अंदर। तो इस जगहों पे गाड़ियाँ लगा के और यहाँ से ये जो ऊपर की रोड है इससे 0 पॉइंट के लिए ट्रैक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ की पार्किंग फुल हो चुकी है।